प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जितने भी वादे किए, सारे के सारे वादे जुमला और झूठ साबित हुए। वो चाहे 2 करोड़ नौकरियों का हो, काला धन लाने का हो, 15 लाख देने का हो, फसल का दाम दोगुना करने का हो, पक्का मकान देने का हो, महंगाई कम करने का हो, सारा वादा जुमला साबित हुआ। अब चुनाव के ठीक पहले इस देश की करोड़ों महिलाओं को जिस बिल का इंतजार था, महिला आरक्षण बिल, वो बिल जुमले के रूप में, झूठ के रूप में न लागू करने की नीयत से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। और ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, महिलाओं को मूर्ख बनाने का बिल है। ये इस महिला आरक्षण बिल में जो 2010 में राज्यसभा के अंदर पास हुआ था, उसमें कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। यह था कि भाई 33% आरक्षण मिलेगा। अगर इनकी नीयत साफ होती तो राज्यसभा में पारित बिल लैप्स नहीं होता और उसी बिल को ये लोकसभा में पास कर सकते थे पिछले 9 साल में।